Hello students of 9th class, I am Rizwan Latif and I welcome you in my second lecture. This lecture is about the definition of the computer and about the uses of computer, in which fields computers are being used. In the previous lecture, I gave an overview of the book and the various lessons included in this book. So today we are starting from the very beginning of the first chapter. But before going towards my lecture, I would like to ask you all to click the like and share button, as well as for those who joined us for the first time, may also click the subscribe button and bell icon, so you will get notified and never miss any new lecture as it uploaded. Welcome back, and you can see the first page of the book on screen. The topic of the unit is Introduction to Computers. As you can see, today you can find computers almost everywhere. Microwave ovens, automobiles, thermostats and even wristwatches contain computer chips. In fact, computers are so common in modern society that everyone is affected by computer technology to some extent. The students, इस पैराग्राफ के मुताबिक जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो हमें हर जगह दाएं बाएं हर चीज में कंप्यूटर की एक चिप का यूज मिलता है, जिसकी एग्जांपल उसमें यहाँ पे माइक्रोवेव अवन, गाड़ियाँ, मुख्तलिफ टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस, हमारी घड़ियाँ, खिलौने, ये सारी चीजें जो है इनके अंदर कंप्यूटर चिप लगी होती है. एंड बेस्ड ऑन दिस कंप्यूटर चिप ये डिवाइसेस फंक्शन परफॉर्म करती हैं. अब इसको मजीद तफसील से जानने से पहले आइए कंप्यूटर की डेफिनेशन पर नजर दौड़ाते हैं. A computer is an electronic device that processes data and converts it into information. Computers run programs which process data and performs tasks based on the instructions contained in the program. अब इसी डेफिनेशन को कुछ मैंने इस तरह सम अप किया है कि computer is an electronic machine which accepts data, process on that data and provides suitable result and store data for the future use. The word computer derived from the Latin word compute, which means to calculate. अब इन definitions की बेस पे जब हम देखते हैं तो इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर हमारे पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है जिसको हम डाटा देते हैं, वो उस डाटा को प्रोसेस करता है और हमें एक सुटेबल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैट डाटा वो प्रोवाइड करता है और उस रिजल्ट की बेस पे हम कोई डिसीजन लेते हैं या कोई फर्दर जो काम होता है वो हम करते हैं. अब जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ को देखते हैं, कंप्यूटर चिप को या किसी और डिवाइसेस को छोड़ के जो हमारा मैनुअल वर्क है उनमें भी इसी तरह ही होता है. हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम जूस बनाना चाह रहे हैं, ऑरेंज जूस. अब ऑरेंज जूस के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि हमें उसके लिए उसका रॉ मटेरियल, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें चाहिए. अगर ऑरेंज जूस बनाने के लिए हमारे पास ऑरेंज ही ना हो, हाउ इट पॉसिबल कि हम ऑरेंज जूस बना सकेंगे? तो उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें ऑरेंज है, उसमें उसके शुगर हो सकती है, वाटर हो सकता है, समथिंग एल्स, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे तो हम जूस निकाल सकेंगे और बना सकेंगे. बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास डाटा होता है. डाटा इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो हम उनको कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, फिर सम प्रोसेसिंग होती है एंड आफ्टर दैट प्रोसेसिंग हमारे पास कोई रिजल्ट आता है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट रिजल्ट वी मे बी एबल टू टेक सम डिसीजन. तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है. Some examples of computer's applications are controlling space flights. इस वक्त जितनी flights हैं, जितने जहाज land करते हैं या take off करते हैं और फिर space में होते हैं, जो fly वो कर रहे होते हैं, तो इस तमाम के तमाम जो procedure है इसको control करने के लिए computers use होते हैं, जो कि precisely हमें उसकी direction, उसकी height सारा कुछ बताते हैं और उसके मुताबिक control किया जाता है. Even आप तो हमारे पास बगैर इसी इंसान के उड़ाने वाले जहाज मौजूद हैं, ड्रोन जिनको हम कहते हैं, तो वो हमारे पास बड़े ड्रोन्स भी हैं जिनके जरिए वो अटैक करते हैं. कबाली इलाकों में आपने सुना होगा कि किस तरह उन्होंने दहशतगर्दों को टारगेट किया. हम
हमारे पास अपने ड्रोन्स भी हैं जिनमें हम मोबाइल कैमरे या कोई और कैमरा लगा के हम वीडियो बनाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। तो ये सारे के सारे हम कंट्रोल करते हैं उनकी डायरेक्शन को, कहाँ से उसको खास जो टारगेट है उसको हिट करना है, उसको अचीव करना है, तो ये सारे का सारा उसके कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो वो भी इसी तरह होता है। फिर लैंडिंग और जो टेक ऑफ होता है एयरप्लेन्स का, तो वो उसको भी कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री में तमाम वो गाड़ियां या जहाज जिनमें बुकिंग की जाती है तो उनको कंट्रोल किया जाता है, और कंप्यूटर से सारे का सारा वो डाटा उसमें जो फीड होता है उसकी बेस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। फॉर एग्जांपल समवन वांट्स टू गो टू अमेरिका, अब उसने रिजर्व करानी है फॉर एग्जांपल PIA पे अगर वो जाना चाहता है, तो घर बैठे हम अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं और उससे हमें पता चल सकता है कि क्या वहां पे पोजीशन है, कोई सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो उसमें जाके हम वेबसाइट पे हम उसको देखते हैं कि कितनी सीटें, जब हम वहां पे एंट्री करते हैं कि हमने फलां दिन फलां जो फ्लाइट जा रही है उसमें हमें सीट चाहिए, तो वो फौरी तौर पे कंप्यूटर से डाटा को प्रोसेस करता है और उसकी बेस पे वो देखता है कि क्या हमारे लिए वो कुछ स्पेस जो रिक्वायर्ड है वो सीट है या नहीं है। अगर है तो हम वहां पे जब क्लिक करते हैं और उसकी पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो ओके करते हैं तो वो रिजर्व हो जाती है, फिर उसके अगेंस्ट कोई और पैसेंजर नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे जो टिकटिंग का सिस्टम है वो हो सकता है। फिर ट्रैकिंग इन्वेंट्री, ट्रैकिंग इन्वेंट्री में ये होता है कि जो गुड्स पड़ी हुई हैं किसी भी स्टोर में, किसी शॉप पे, किसी भी जगह, तो वो जो गुड्स जो आइटम्स पड़े हुई हैं उनकी टोटल अमाउंट ऑफ या टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है और वहां पे हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर्स की शॉप है, तो 100 माउस उसने परचेज किए, फिर वो डेली बेसिस पे जो सेल होते रहे, तो अगर दरमियान में एक वीक के बाद फॉर एग्जांपल चेक करना चाहें कि कितने मेरे पास माउस पड़े हैं, तो वो एक सेकंड में एक क्लिक करने से हम कंप्यूटर के अंदर जो सेल होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी बेस पे हम एक क्लिक से कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि इस वक्त रिमेनिंग माउस कितने पड़े हुए हैं। तो जो आइटम्स हैं उनकी जो तादाद है, टोटल नंबर ऑफ गुड्स कितनी पड़ी हुई हैं या वो आइटम्स कितने पड़े हुए हैं, इसको इन्वेंट्री कहते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग बुक्स, हमारी जितनी बुक्स हैं, नोट्स हैं, पेज हैं, कोई भी चीज आजकल हम कंप्यूटर में लिखते हैं और फिर उसको प्रिंट करते हैं प्रिंटर के थ्रू, तो ये सारे का सारा कंपोजिंग और प्रिंटिंग जो है ये सारा कंप्यूटर के जरिए की जाती है। आजकल तो बहुत बड़े बड़े प्रिंटर्स हैं, फ्लेक्स मशीन्स हैं, प्लाटर्स हैं, जिनके जरिए आप देखते हैं पैनाफ्लेक्स के बहुत बड़े बड़े आपको बोर्ड्स जो हैं वो नजर आते हैं। तो ये सारे के सारा जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग है और जो प्रिंटिंग है वो कंप्यूटर के थ्रू होती है। टर्निंग ऑन लाइट्स एट स्पेसिफाइड टाइम, अब रोड पे वहां पे कोई बंदा नहीं खड़ा होता कि जो उसको प्रेस करेगा कि आप इतनी यहाँ पे ट्रैफिक हो गई है तो ये लाइट ऑन हो जाए। अब होता क्या है कि सेंसर होते हैं, अब डिफरेंट टाइप के सेंसर हैं, जो पाकिस्तान में है वो टाइम बेस्ड है कि इतने टाइम के बाद आप जब ट्रैफिक लाइट्स को देखते हैं तो वो जो लाइट्स हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद टाइम काउंट होता है, और वो काउंट डाउन के बाद जब वो जीरो पे जाता है तो वो लाइट ऑन या ऑफ हो जाती है, ग्रीन से येलो और फिर रेड इसी तरह। एक और जो सिस्टम एडवांस कंट्रीज में चल रहा है वो ये होता है कि गाड़ी रोड के नीचे सेंसर लगे होते हैं, स्पेसिफिक जो एरिया है वहां तक सेंसर लगे होते हैं, जब वहां पे कोई चीज हल्ट हो जाती है उसके ऊपर आके रुकती है स्पेसिफाइड टाइम पे, तो वो ऑटोमेटिकली जो लाइट्स हैं वो ऑन या ऑफ हो जाती हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि जब कोई छुट्टी टाइम पे या सुबह मॉर्निंग ऑफिस टाइम पे जब गाड़ियों का रश ज्यादा होता है तो एक लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, लेकिन अगर इसको कंप्यूटराइज कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली जब उन सेंसर्स पे गाड़ी रुकेगी तो वो ऑन या ऑफ हो जाएंगे और उससे ज्यादा आगे फिर ट्रैफिक जैम नहीं होगी। उसके बाद लाइट्स को ऑन या ऑफ करना दूसरी लाइट्स को जो हम अपनी रोशनी के लिए यूज करते हैं घरों में, तो ये भी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी लाइट्स आप शहरों में देख सकते हैं जो स्ट्रीट लाइट्स हैं। अब स्ट्रीट लाइट्स जो खासतौर पर सोलर की हैं, वो अब उनको कोई ऑन या ऑफ नहीं करता, उसके ऊपर सेंसर लगा होता है जो कि डे लाइट को सेंस करता है और अंधेरे को सेंस करता है। जो ही अंधेरा होता है तो वो सेंसर उसको सेंस करते हुए वो लाइट को ऑन कर देता है, और फिर जब रोशनी होती है दिन चढ़ता है तो वो उसको सेंस करता है और ऑफ कर देता है। इसी तरह हम अपने घर में इन सेंसर्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कमरे में लाइट के साथ एक सेंसर को यूज करते हैं, और उस सेंसर का ये है कि जो ही हम डोर ओपन करें तो वो लाइट ऑन हो जाए, और जो ही हम कमरे से बाहर निकलें डोर ऑफ करें तो वो ऑफ हो जाए। अब ऐसे सेंसर्स हैं जो कि किसी भी पर्सन की एग्जिस्टेंस को सेंस करते हैं। जब हम कमरे का दरवाजा खोलते हैं और उसके अंदर एंटर होते हैं तो वो हमारी एंट्रेंस को
वो सेंस करता है और लाइट ऑन हो जाती है। और जब हम उसको बाहर डोर को शट करके हम बाहर निकलते हैं तो वो ये देखता है कि आप कमरे में कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई लिविंग थिंग है वो नहीं है, तो वो उसको ऑफ कर देता है। तो ये भी कंप्यूटर की बेस पे है, वो जो चिप यूज हो रही है, जो सेंसर यूज हो रहे हैं वो कंप्यूटराइज है। चेकिंग आउट ग्रोसरीज एट द चेकआउट सेंटर, तो वो जो गुड्स हैं, जो ग्रोसरीज, जो सामान है, किसी भी काउंटर पे आप कोई चीज लेते हैं और फिर उसको वो चेक करता है, तो ये सारे का सारा शॉप पे, इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये सारा सिस्टम काम करता है। तो आज का लेसन यहाँ तक खत्म हुआ कि कंप्यूटर्स क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करते हैं। तो हमने बेसिकली एक डेफिनेशन पढ़ी है जो कि ये है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट्स डाटा, प्रोसेस ऑन दैट डाटा एंड प्रोवाइड्स सूटेबल रिजल्ट्स फॉर द फ्यूचर यूज। सो आई होप स्टूडेंट्स के आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आई होगी कि ये क्या है, कंप्यूटर क्या है, ये कैसे काम करता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई भी आप क्वेश्चन कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। आखिर में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और नए स्टूडेंट जिन्होंने आज ही इस चैनल को ज्वाइन किया है, ओपन किया है, वो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नए आने वाले लेक्चर से फौरन आपको पता चल सके। शुक्रिया।